वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूं, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं कि आप अपने अनचाहे बालों से किस तरह से छुटकारा पा सकते हैं। होठों के ऊपर के जो हमारे बाल होते हैं, अपर लिप्स हेयर होते हैं, उसे हम किस तरह से हटाएं। वैसे तो इसे हटाने के लिए ज़्यादातर लोग ब्यूटी पार्लर ही जाते हैं, परंतु पार्लर में जाने के बाद थ्रेडिंग वैक्सिंग के बाद भी जो बाल आते हैं बहुत ही हार्ड आते हैं और 10 से 12 दिन में फिर से ये बाल आ जाते हैं, या फिर बहुत से लोग लेज़र करवाते हैं जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव है। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिससे आपको 100% इस अनचाहे बालों से छुटकारा मिलेगा। अपर लिप्स के जो हेयर हैं वो बिल्कुल ही हट जाएंगे और दोबारा नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 चम्मच गेहूं का आटा। पुराने समय से भी गेहूं के आटे से ही बाल निकाले जाते थे। आपने देखा होगा पुराने समय में बच्चों को भी जब पैदा होने के बाद जो लोई फेरी जाती थी ताकि उनके शरीर के जो बाल हैं वो निकल जाएँ, तो उसमें गेहूँ का आटा और बेसन का ही इस्तेमाल किया जाता था। 2 चम्मच गेहूं का आटा लिया है मैंने और 1 चम्मच मैंने इसमें बेसन मिलाया है और इसका अब हमें बिल्कुल बढ़िया थिक पेस्ट बनाना है। तो दोनों सूखी चीजों को आप पहले आपस में मिक्स कर लें। आप देखेंगे दोस्तों, अपर लिप्स में जो आपके बाल आ जाते हैं वो बिल्कुल ही जड़ से निकल जाएंगे। ना आपको पार्लर जाने की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत है। अब इसमें हम कम से कम 2 बूंद तेल की डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं, कोई सा भी आप तेल ले सकते हैं। इसमें हम सिर्फ 2 बूंद तेल इसलिए डाल रहे हैं कि जब हम इस पैक को अपने अपर लिप्स पे लगाएंगे दोस्तों और जब इसे रब करेंगे तो हमारी जो स्किन है वो सूखी ना होने पाए, उसमें मॉइस्चर बना रहे, इसलिए यहाँ पर मैंने 2 बूंद तेल का डाला है। तेल डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। आप चाहें तो इस पैक को अपने पूरे चेहरे पर भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ होठों के ऊपर ही आप इसे लगाएं, पूरे चेहरे पर भी आप लगाएं इसे और बढ़िया अच्छा इसे लगा के 10-15 मिनट रखने के बाद रब करके निकालें। रगड़ कर निकालने से जो अनचाहे बाल हैं वो बहुत आसानी से जड़ से टूट जाते हैं। अब मैं यहाँ पर डालूंगी 2 चम्मच मैंने गुलाब जल का डाला है ताकि हमारे चेहरे की जो स्किन है उसे बहुत अच्छा नरिशमेंट मिले, और गुलाब जल डालकर ही आपको इसका इस तरह से थिक पेस्ट बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट ना बनाएं, नहीं तो आप अपने अपर लिप्स पे लगाएंगे तो वो बहकर निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक पेस्ट भी ना बनाएं और बहुत ज़्यादा पतला पतला घोल भी ना बनाएं। थिक पेस्ट बनाएंगे तो वो आप इसे अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप ध्यान से देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसका पेस्ट बनाया है, ना बहुत रनी है ना बहुत थिक है। और इस पेस्ट को अब आपको अपने अपर लिप्स पर अप्लाई करना है और होठों के ऊपर आप इसे खूब अच्छी तरह से लगाकर कम से कम 15 मिनट के लिए आप बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दें। गर्मी का मौसम आ गया है तो 15 मिनट में ये पैक सूख जाएगा, ठंड का मौसम है तो हो सकता 20 मिनट भी लग जाए। तो इसे मैं अभी आपको अपने हाथों पर लगाकर दिखा रही हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं जहाँ पर जिस डायरेक्शन में बाल है बस ऐसे ही आपको इसे लगाना है और 15 मिनट के लिए आप इसे ऐसे ही छोड़ दें। 15 मिनट के बाद दोस्तों आपको इसे धोना नहीं है कि आप सोचें कि अरे हम इसे पानी से वॉश कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं, आपको इसे रगड़ते हुए निकालना है। पुराने समय में जब बच्चे पैदा होते थे दोस्तों तो इसी तरह से उनकी लोई की जाती थी ताकि उनके शरीर में जो भी ज़्यादा बाल हैं, खासकर लड़कियों की, तो लोई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था ताकि उनके शरीर से जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो निकल जाएं। बस इसी पेस्ट को लगाकर रखा जाता था दोस्तों, और उल्टे डायरेक्शन में उसके बाद आपको इसे रब करना है ताकि जो बाल हैं वो बहुत अच्छी तरह से जड़ से ही टूट जाएं और दोबारा उस जगह से बाल उगने ना पाएं। तो इस तरह से आप अनचाहे बालों से बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हमारा पेस्ट बन चुका है, गेहूं का आटा, बेसन, नारियल का तेल डालें। आप चाहें तो गुलाब जल, मान लीजिए आपके पास नहीं तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध भी इसमें डाल सकते हैं। इस तरह से बालों के उल्टी डायरेक्शन में आपको इसे रगड़ना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये बत्ती आ रही है, ये जो आपको दिख रही होगी आटे की जो पतली पतली सी लोई, हमारे इधर इसे बत्ती कहा जाता है। तो इसके साथ ही साथ इस जगह के जो भी बाल हैं, छोटे छोटे से जो बाल हैं, वो पूरे टूट कर इस आटे के साथ लिपट कर
गिरते जा रहे हैं। बहुत अच्छा तरीका है, आपकी त्वचा में बहुत बढ़िया चमक आएगी, ग्लो आएगा। आप खुद देखेंगे कि आपका चेहरा बिल्कुल ही चमकदार हो जाएगा, और जिस जगह से बाल हट जाते हैं वहाँ तो अपने आप ही चमक आ जाती है। इस उपाय को आप ज़रूर करें दोस्तों, कुछ समय के बाद उस जगह से बाल उगना ही बंद हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं, मैंने रगड़ने के बाद इसे वॉश करके पोंछ कर आपको दिखा रही, आपको इस जगह पर बिल्कुल भी बाल दिखाई नहीं देंगे। तो अपने शरीर के अनचाहे बालों से आप छुटकारा पा सकते हैं, फेशियल हेयर से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। पूरे चेहरे पर आप इसे लगाएं और अनचाहे बालों से छुटकारा पाएं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा।